हेलो दोस्तों, मैं हूं एजदास और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग लेजर। और आज हम यात्रा करने वाले दोस्तों, अभी हम लोग इस रास्ते से आए हैं जो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं छुई गदा। और मैं इस वक्त खड़ा हूं सिटी के ठीक बीचों बीच, उसी रास्ते पे है। इस कारण से हम लोग सबसे पहले वही आपको दिखाने वाले हैं। उसके अगर पैदल हो तो यहाँ से सीढ़ी है, वहाँ से जा सकते हो। दोस्तों वेलकम टू बैताल रानी घाटी। तो चलते हैं हम लोग अभी बैताल रानी घाट, और जो मेन स्पॉट है हम लोग का वो आपको दिखाते हैं, छत्तीसगढ़ की मोस्ट ब्यूटीफुल घाटियों में से एक बैताल रानी घाट। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ और फॉलो मी। राइडरों का शौकीन घाटी, कौन सा घाटी? बैताल रानी घाटी। थोड़ा से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आपको दो, जैसे घाट थोड़ा चालू होगा उसके बाद में सामने में दो रास्ता मिलेगा, एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट एक राइट में। तो आपको लेफ्ट साइड में जाना है, राइट में नहीं जाना है। वो बुरहान घाट के लिए जाती है, वही आपको रानी बैताल घाट लेके जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैताल रानी घाटी। यहाँ से घाटी प्रारंभ हो जाती है और सामने देखने से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आपको सामने जाके दिखाते हैं। इस घाटी में कम से कम 14-15 हेयर पिन टाइप का मोड़ है जो आपको आगे मैं आप दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, फॉलो मी।
सिंधारी डैम से आ रही है और ये बरकट्टा सालेवारा जाएगी। सालेवारा के बाद में सीधा एमपी बॉर्डर और देख रहे हो सब लोग चिलअप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू, ब्यूटी ऑफ द नेचर। बाइक राइडर के लिए ये जो घाटी है बहुत ही जन्नत है और बहुत ही ज़्यादा बाइक यहाँ आते हैं और जो अपना बाइक राइडिंग का जो शौक है वो पूरा करते हैं। तो आप भी आ सकते हो, अगर बाइक राइडिंग के शौकीन हैं तो आप भी आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही लोग यहाँ भीड़, इस रोड भी बहुत ज़्यादा है। सभी लोग अपने परिवार के साथ में आए हैं, दोस्तों के साथ में आए हैं चिलअप करने के लिए। पीछे उधर टॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग अभी भी आते जा रहे हैं और यहाँ रुके भी हैं। दोस्तों, अभी हम लोग जिस स्पॉट में खड़े हैं वो घाटी का सेकंड टॉप है और यहाँ से व्यू ज़बरदस्त आपको पीछे दिख रहा होगा। दोस्तों, यह घाटी लगभग 2017 में चालू हुआ था बनना और 2020 में इसका उद्घाटन हुआ है। दोस्तों, अगर इस घाटी का मज़ा लेना है और नेचर का भी, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बेस्ट महीना आने का। अगर सिर्फ घाटी का मज़ा लेना है तो आप कोई से भी महीने में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घाटी के साथ साथ वादी, अगर नेचर आपको देखना है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ही अच्छा बेस्ट महीना है इसका आने का। सवरिया आइसक्रीम, आपका टाइम कितने का है? टाइम कितना टाइम आपका? 10 सुबह 10 बजे से शाम को तो पब्लिक ऊपर। अच्छा। 6 से 7, 6 से 6:30। हाँ, आइए, बिल्कुल आ सकते हैं। चिल में मज़ा भी ले सकते हो, पूरा मैंगो से, बादाम से, जूस से, बादाम से।
घाटी यहाँ पास में समाप्त हो जाती है और ये रोड सीधे एमपी के लिए निकल जाती है जो बालाघाट में जाके मिलती है, मतलब आप बोल सकते हैं उधर से जाके मिलती है। तो चले भी जाते हैं नीचे इसी रास्ते से, उसके बाद में आपको नीचे का भी बिहाइंड सीन आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप बैतालरानी घाटी घूमने के लिए आना चाहते हैं तो अगर आप रायपुर से आ रहे हैं तो आपको लगभग 3 घंटे की दूरी पड़ेगा। अगर बात करें किलोमीटर में तो लगभग 120 किलोमीटर पड़ेगा। राजनांदगांव से आ रहे हैं तो आपको लगभग 2 घंटे की दूरी पड़ेगा। अगर बात करें किलोमीटर में तो लगभग 75 से 80 किलोमीटर, और अगर आप दुर्ग से आ रहे हैं तो उसमें भी लगभग आपको लगभग 80 से 90 किलोमीटर आपको पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा है, आप प्लीज अच्छा घूमने के लिए आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इसका। अभी अभी नया नया बना है ये, आप रोड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की तो राजनांदगांव यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट की तो यहाँ से रायपुर नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इस घाटी का नाम बैतालरानी घाटी कैसे पड़ा इसके पीछे कहानी है। धमदा के एक गोड़ राजा थे, वो गोड़ राजा की एक महारानी थी। महारानी मध्य प्रदेश के लांझे की महाराज की बेटी थी। महारानी को एक चरवाहे से प्रेम हो गया। महारानी और चरवाहा दोनों भागकर लांझी जा रहे थे और रास्ते में एक बरकट्टे के पास में दोनों छुप गए। जैसे राजा को इसकी जानकारी हुई, राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और उसके बाद में वो सैनिक जो है वो ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद बरकट्टे के पास में ही, वो इसी घाटी के पास में ही दोनों मिल गए और राजा के आदेश के अनुसार वहीं उनको मरवा दिया गया। तब से इस घाटी का नाम बैतालरानी घाटी पड़ा है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि सपोर्ट करो आप तभी आगे बढ़ेंगे और आपके सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Bye.